मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी टाइप से जो हमारा हमारे जो पेरेंट्स हैं वो समझेंगे कि किस तरीके से हमारी जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई भी किस तरह से इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वो अब आउट परफॉर्म करने लगी हैं हमारे बच्चों को और हर फील्ड में वो कामयाबी की नई राहें छू रही हैं। तो मैं ये कामना करता हूँ कि आगे भी सभी बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए और सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश भी करता हूँ कि वो इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अभी तक अपने बच्चों को सपोर्ट किया है स्टडीज़ के लिए आगे भी उसी टाइप से उनको हायर स्टडीज़ के लिए भी इसी टाइप से उनका सपोर्ट करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका जो ये स्कीम है और ये स्लोगन है जो पूरी इंडिया में चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस स्लोगन को आज हमने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, जो कि काफ़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जिसमें काफ़ी ये जो है शेलिंग की प्रॉब्लम भी रहती है और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इस सब के बावजूद भी हम लड़कियां हैं 15 टॉपर्स में, वी आर 11 गर्ल्स, तो हम 11 लड़कियां हैं। हमने इस स्लोगन को प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने इनको एक तो सिंपल मेरिट सर्टिफिकेट दिया और इसके साथ साथ हमने इनके अकाउंट्स में DBT वे से हमने जो टॉपर हैं 5 उनको 10-10 हज़ार रुपया दिया और जो बाकी हैं बच्चे जो हैं जो 10 बच्चे जिसमें 4 बच्चे हैं और 6 बच्चियां हैं उनको हमने 5-5 हज़ार रुपया इनके अकाउंट्स में हमने ट्रांसफ़र कर दिया।